हे गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो अभी मैं इंदौर निकल रहा हूँ, आ चुका हूँ, कॉफ़ी पीने के लिए रुके हुए हैं। एंड 45 डेज़ का ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है और इतने सारे पिक्चर्स देखे मैंने, कितने सारे लोगों ने ट्रांसफॉर्म किया अपने आप को, बहुत अच्छा लगा देखकर। सो आज तो अभी तो इंदौर निकलना है मुझे, शाम को वर्कआउट करूँगा। एंड 45 डेज़ की ट्रांसफॉर्मेशन में आगे और क्या करना है मैं एंड ऑफ द डे पे आपको कन्फर्म कर दूँगा। बाकी आज का व्लॉग एंजॉय कीजिए। बोले 6:30 पे आ जाऊंगा मैं, धीरे धीरे। मैंने अलार्म, मैं तेरे को दिखा दूं, मैंने अलार्म लगा के रखा, मुझे पता था 5 बजे का, 5:05 का, 5:10 का, मैं प्रिपेयर था। लेट करेगा मेरी शादी में, तू टाइम पे पहुंच जाएगी बस। सुबह की शादी तो एक दिन पहले तो रुकोगे ना शादी में? तो शादी रात को होगी, आगरा सुबह होगी। अभी 2 घंटे पहले इंदौर आ गए, छोटे मोटे काम थे वो कंप्लीट कर लिए, अभी वर्कआउट करने के लिए जाना है। बट देखते हैं कि आउटसाइडर को अलाउ है कि नहीं, क्योंकि कोविड की वजह से रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। एक दो जिम में बात भी करी है बट 10 बजे कर्फ्यू स्टार्ट हो जाएगा और अभी 8 बज चुके हैं ऑलरेडी। देखते हैं जाकर कि कैसा क्या। अभी पहले फ्रेश होता हूँ, मैं चेंज करता हूँ, जिम बैग तो लेकर ही आया हूँ, तो चेंज करता हूँ पहले एंड फिर वर्कआउट। वर्कआउट कंप्लीट, आउटसाइडर है ना तो इसलिए कैमरा वगैरह ज़्यादा नहीं निकाला, क्योंकि एंट्री भी बड़ी मुश्किल से हुई थी। मैंने सोचा पता चला कैमरा वैमरा DSLR निकाल लूँगा और उसके बाद ये बोले कि ये अलाउ नहीं है सर, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। इस चक्कर में फिर ज़्यादा वर्कआउट क्लिप्स में शूट नहीं कर पाया। बाकी कल और दोबारा भी आना है, देखते हैं कल अगर शूट कर पाता हूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। दाल चावल, ऑयलिंग हो गई बालों की, हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी मुझे 10 बजे जिम सेशन था मेरा, बट मैंने रात को कुछ लोगों को मैसेजेस, मतलब काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए थे कि इंदौर में कहाँ पर हो, तो मैंने रिप्लाई किया हुआ था, अपने होटल का एड्रेस दे दिया था, स्टोरी पर नहीं डाला, सॉरी यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं बुला सकते, कोविड की सिचुएशन है, होटल वाले भी मना करते। तो 9 बजे से काफ़ी लोग आए थे, ऑलमोस्ट 15-20 लोग होंगे, देन उसके बाद टाइम निकल गया एंड मेरा जिम सेशन छूट गया। कोई बात नहीं उसके लिए। हेलो, आ रहा हूँ। तो उन लोगों से मिला, काफ़ी अच्छा लगा मिलकर, बट जिम सेशन छूट गया, कोई बात नहीं, क्योंकि 10 बजे का सेशन, मतलब 10 बजे का स्लॉट मिला था मुझे। चलते हैं फिर, जिम तो मिस ही हो गया। बाकी 45 डेज़ का, ये 2 डे व्लॉग है एक्चुअली, 45 डेज़ का ट्रांसफॉर्मेशन जो कंप्लीट हुई है हमारी, उसका अपडेट मैं आपको इस व्लॉग के एंड में दूंगा। डिकैथलॉन में आया हूँ मैं, एक तो दिल्ली में अभी लास्ट मंथ ही 2 बार डिकैथलॉन चला गया था, तो ऐसा लगता नहीं कोई चीज़ चाहिए, पर यहाँ पर आकर अच्छा लगता है। कुछ कुछ चीज़ें चाहिए बट जो दिल्ली में अवेलेबल नहीं थी, यहाँ पर भी अवेलेबल नहीं है। खरीदनी वरीदनी है नहीं, बस ऐसे ही चलाओगे ना? जो बॉटल है ना, जो प्री वर्कआउट में मैं मेरे वीडियोज़ में देखा होगा मोस्टली, ये बॉटल है वो, केवल 99 रुपीज़। मुझे मेनली आम ब्लास्टर लेना था बट ये लोग आम ब्लास्टर रखते नहीं हैं, क्योंकि बॉल फाड़ी है ना शेडो ने, मैंने उसको बॉल दिलाई थी जो, वो ये वाली है। पूरी बर्बाद करके रख दी है उसने। अरे बहुत ही लाइट है। तो
शेडो के लिए न्यू बॉल, वो ख़राब कर दी उसने पुरानी वाली वैसी, और उसको पकड़ नहीं पाता है फुटबॉल को, बस खेलता है पैरों से मारता है, इसको एटलीस्ट अच्छे से दबा के खेलेगा। बाल कटवा दिए क्या? नहीं नहीं, झड़ गए, काफी झड़ गए। नहीं, बच्चा है 10 महीने का। बाय सिम्बा, बाय, बाद में आएंगे, ठीक है? मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी ना, तो किसी ने मुझे मैसेज किया था कि इंदौर आए हो तो 56 पे ज़रूर जाना, और यहाँ पर मतलब लाइन से 56 शॉप्स हैं। काफ़ी मज़ा आया, पानी पूरी पी, रोल खाया, तभी वापस जा रहे हैं। वेरी गुड यार, ले, बहुत बढ़िया। ऑयलिंग की थी कल तो धोया नहीं मैंने सुबह से यार। मैं लंच खाऊंगा, ये लोग नॉनवेज खाएंगे। ये इंदौर रह चुके हैं 7-8 साल, 7-8 साल से ज्यादा रह चुके हो ना? हाँ, मतलब 2006 से 2011, देन 2013-14। और ये गेट लगा दूँ बाथरूम का पहले, और ये मेरे को बोल रहे हैं कि यहीं पर ही शिफ्ट हो जाए ग्वालियर छोड़ के, यहाँ पे ज़्यादा मज़ा आएगा। तो नहाना धोना कंप्लीट, अभी आज दूसरा दिन था मेरा इंदौर में, दूसरा दिन निकल गया, कल वापस जा रहा हूँ मैं। सो मेरे को किसी ने मैसेज किया था कि 56 दुकान ज़रूर जाना भाई, और सराफा जाना, तो 56 दुकान तो होकर आ गया मैं, बट सराफा नहीं जा पाया। सराफा मेनली नाइट के लिए फेमस है, राइट, और रात के टाइम पे कर्फ्यू लगा हुआ है यहाँ पर, तो सराफा नहीं घूम पाया। मे बी नेक्स्ट टाइम जब दोबारा आऊँगा इंदौर तब घूमूंगा। सो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, एंड जिम मिस हो गया आज, कोई बात नहीं, लेकिन सुबह आप लोगों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। 1.5 घंटा 2 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला, जिम का टाइमिंग निकल गया इसी वजह से। काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे यार कि बताया क्यों नहीं, स्टोरी पुट क्यों नहीं की कि मैं इंदौर में किस जगह पर हूँ। यहाँ पर इशू हो सकता था, जैसे कोविड की सिचुएशन इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट चल रही है, पुलिस वगैरह और सारे रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, इस वजह से अगर मैं स्टोरी पुट ऑन कर देता और काफ़ी ज़्यादा लोग आ जाते तो यहाँ पर होटल वालों को भी प्रॉब्लम हो जाती, और वैसे भी कुछ मैनेज नहीं था ना, मैं नॉर्मली कुछ कुछ लोगों से मिल लिया यहाँ पर, तो इसलिए थोड़ी सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, मुझे खुद आप सभी लोगों से मिलने का बहुत ज़्यादा मन है। हर जगह अपन मीटअप करेंगे, सभी लोगों से मिलेंगे, सभी लोगों से मैं मिलूँगा, अच्छे से मिलेंगे यार, बट एक बार सिचुएशन नॉर्मल हो जाए। बट अभी क्या है कि इशू हो सकता है, कोविड चल रहा है, रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट, और मेरी वजह से अपन लोगों की वजह से कुछ इशू क्रिएट हो जाए तो मज़ा नहीं आएगा, है ना। सो इसके अलावा 45 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज हमारी 20 को कम्प्लीट हो चुकी है, इस 20 नवंबर को, एंड थैंक यू सो मच यार इस सब में पार्टिसिपेट करने के लिए। इतने सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इतने सारे मैंने पिक्चर्स देखे ट्रांसफॉर्मेशन के, मतलब बवाल मचा दिया यार आप लोगों ने, कितनी प्यारी प्यारी ट्रांसफॉर्मेशन की है 45 डेज तक। और मेन चीज़ पता है क्या है, काफ़ी लोग इनमें से होंगे जो अपने आप के अंदर चेंजेस नहीं देख पाए इतने ज़्यादा, बट मेन थिंग इज़ कि आप कंसिस्टेंट रहे, ठीक है। और मेरा मेन मोटिव यही था कि आपको सभी को ट्रैक पर लेके आना है ना, 45 डेज तक आप लोग कंसिस्टेंट रहे, आप एवरी डे 1 डे 2 के फोटोज़ भेजते रहे मुझे, स्टोरियाँ मेंशन करते रहे, मैं सभी के चेक करता हूँ यार, जितने लोगों के चेक कर पाता हूँ, जितने ज़्यादा से रिप्लाई कर पाता हूँ उतनी कोशिश की मैंने।
सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया मुझे भी आप लोगों की इस चीज़ ने कि आप 45 डेज तक मेरे कहने पर कंसिस्टेंट रहे। तो मेरा मेन 45 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज का ये मोटिव था कि आप लोगों को एक ट्रैक पर लेकर आऊँ, चाहे आप होम वर्कआउट कर रहे हो चाहे जिम वर्कआउट कर रहे हो। अब जो आपकी 45 डेज की ट्रांसफॉर्मेशन 20 नवंबर को कंप्लीट हुई है, इसको 40 डेज और आगे लेके जाने वाले हम, यानी 31 दिसंबर 2020 का आखिरी दिन। तब तक आप सेम प्लान पर रहेंगे जो आप चला रहे थे अभी, सेम वर्कआउट, सेम रूटीन, सेम डाइट, सारी चीज़ें सेम करने वाले हैं। एंड न्यू ईयर से एक नए प्लान के साथ आप एंटर करेंगे। एक खास बात क्या है कि इस ईयर के एंड में या नए साल के स्टार्ट में, जब भी 2021 स्टार्ट होगा, मैं टोटल एक इस नेम से 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से एक वीडियो अपलोड करूंगा। इस तरीके का कोई भी वीडियो, आप समझ जाएंगे। उसमें मैं आप लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन फीचर करूंगा, जितने लोगों ने ट्रांसफॉर्म किया है, कुछ कुछ लोगों की फीचर करूंगा। एंड इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें जिस रूटीन पे चल रहे थे। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया कि इतने सारे लोगों ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया कंसिस्टेंट होकर। मेन मेरा यही मोटिव था कि आप लोगों को एक ट्रैक पर लेकर आना। इसको अब हम 31 दिसंबर तक लेके जाने वाले हैं। 31 दिसंबर को जब सभी लोग पार्टी कर रहे होंगे तब भी आप उस दिन भी वर्कआउट करेंगे। एंड न्यू ईयर में एक नए प्लान के साथ हम वर्कआउट चेंज करेंगे, हम डाइट चेंज करेंगे, और उसके बाद हम एक नए प्लान के साथ जाएंगे एक लंबी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, कि हमें 3 मंथ्स का करना है, कितने मंथ्स का करना है, वो भी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा कि अब क्या करना चाहिए आपको। बट अभी सेम प्लान आप जो भी फॉलो करते हैं डे 45 तक, अभी इसको आप दिसंबर 31 तक लेकर जाने वाले हैं, ठीक है। सभी के स्टोरीज चाहिए मुझे, सभी के स्टोरी मेंशन की कौन कौन क्या कर रहा है, किसका कौन सा डे, सारी चीज़ें मुझे चाहिए, ठीक है, अच्छे तरीके से। किसका कौन सा डे क्या है, सभी के डे सेम चलने वाले हैं। 20 नवंबर को 45th डे था, 21 नवंबर को 46th डे, इसी तरीके से आपका डे मुझे अपडेट चाहिए। सभी लोग स्टोरीज डालना, सबके चेक करता हूँ, कोशिश करता हूँ सभी को रिप्लाई करने की। बहुत अच्छा लगता है जैसे ही आप लोग भेजते हो ना कि भैया देखो मैंने इतने इतने डेज में अपने को ट्रांसफॉर्म कर लिया, बहुत अच्छा लगता है। ये 45 डेज का ट्रांसफॉर्मेशन में इतने सारे लोगों में चेंजेस देखे ना मैंने, कि डे वन में किसी ने मुझे पिक्चर भेजा था कि देखो भैया अभी मेरा ऐसा है बॉडी, अब मैं ट्रांसफॉर्म करूँगा, और डे 45 पे देखा मैंने काफ़ी चेंजेस आए हैं यार। सो 31 दिसंबर तक सेम रूटीन करने वाले हो, आप में से कुछ लोगों की जो ट्रांसफॉर्मेशन फोटोज़ होंगी वो मैं मेंशन करूंगा अपने वीडियोस में, मतलब जो मेरा वीडियो आएगा 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन का, एंड तब और ज़्यादा मज़ा आएगा, फिर हम नए प्लान के साथ में एंटर करेंगे। सो आई होप आप लोगों की इस 45 डेज की ट्रांसफॉर्मेशन वाली वीडियो ने जो मैंने स्टार्ट करी थी वो उसकी हेल्प करेगी। सॉरी यार मैं हर 3-4 दिन में अपडेट नहीं रह पाया इस ट्रांसफॉर्मेशन में, मतलब आपको वीडियो के लिए। आपका कोई क्वेश्चन है या फिर कोई क्वेरी है फिटनेस को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मेरे को, या फिर आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, दयाशानंद यूज़र नेम है, मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के रिप्लाई करने के वहाँ पर। सो इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप गाइज आप लोगों ने व्लॉग को एंजॉय किया होगा, 45 डेज के ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज ने आपकी हेल्प करी होगी, इसको और लंबा लेके जाने वाले हम। थैंक यू सो मच वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, लव यू ऑल, पीस।